अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस बार अधिकारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने अधिकारियों की तुलना वैश्याओं से की है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों से अच्छा चरित्र वैश्याओं का होता है। उत्तर प्रदेश के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑफिसर से अच्छा चरित्र वैश्याओं का होता है। वह पैसा लेकर कम से कम अपना काम करती हैं और स्टेज पर नाचती हैं, पर ये ऑफिसर्स तो पैसा लेकर भी आपका काम करेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पहली बार ऐसा कोई विवादित बयान दिया हो, वह इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में संस्कृतियों की लड़ाई होगी और यह धर्म युद्ध होगा। इसमें महाभारत की तरह एक बार फिर कौरवों और पांडवों के बीच संस्कृतियों की लड़ाई होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पांडवों के दल में सेनापति और अर्जुन की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ कौरवों का दल कांग्रेस के नेतृत्व में होगा, जिसमें धृतराष्ट्र की भूमिका सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव निभाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि प्रजातांत्रिक महाभारत की लड़ाई में मोदी ही विजयी होंगे। आगे लगातार न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज़ चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।